हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांचौर में गिरा 2.788 किलोग्राम वजनी उल्कापिंड तेज आवाज के साथ 5 फीट की गहराई में जाकर धंसा काली चमकीली धातु जैसा आ रहा है नजर। जालौर जिले के सांचौर कस्बे में शुक्रवार सुबह एक उल्कापिंड गिरने से सनसनी फैल गई। उल्कापिंड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। बाद में पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में इसे वहां से हटाकर इसे सुरक्षित रखवाया। पुलिस के अनुसार किसी धातु के समान नजर आ रहा उल्कापिंड 2.788 किलोग्राम वजनी है। सांचौर थाना अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि आज सुबह 7 बजे सूचना मिली कि गायत्री कॉलेज के निकट भंसाली अस्पताल की तरफ जाने वाली मार्ग पर आसमान से तेज गर्जना के साथ एक चमकदार वस्तु नीचे गिरी है। इस पर वेमय जाब्ता मौके पर पहुंचे। वहां काले रंग की धातु का एक टुकड़ा जमीन में धंसा हुआ नजर आ रहा था। करीब 4 से 5 फीट की गहराई में जाकर ये टुकड़ा धस गया। उस समय ये टुकड़ा काफी गर्म था। बाद में उपखंड अधिकारी व उप अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये उल्का पिंड है, ये काले रंग की चमकीली धातु जैसा नजर आ रहा है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने आसमान से एक तेज चमक के साथ एक टुकड़े को गरजना के साथ नीचे गिरते देखा। नीचे गिरते ही एक धमाका हुआ। इस उल्का पिंड के ठंडे होने पर पुलिस ने उसे कांच के एक जार में रखवा दिया है। पुलिस का कहना है कि इसे विशेष गियों को दिखाया जाएगा। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटे हुए तारे कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। प्रत्येक रात्रि को उल्काएं अनगिनत संख्या में देखी जा सकती हैं, लेकिन इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या बहुत कम होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ होते हैं, दूसरे आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये ही पिंड है। जागरूक टीवी के लिए सिरोही से खास रिपोर्ट।